शिवाय आज जन्मे जातक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। यदि सहयोगी लग्न रहा तो अति महत्वाकांक्षी आकर्षक व्यक्तित्व वाले शौकीन और अत्यंत चतुर होंगे। आज अमावस्या होने के कारण इनके माता पिता थोड़ा चिंतित परेशान हो सकते हैं। ऐसे जातकों को संगति बहुत प्रभावित करती है, संभाल कर रखें बच्चों को। आज आपके राशि स्वामी मंगल आपकी राशि से आठवें चल रहे हैं। राहु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ने लगी और साथ ही अमावस्या भी लग चुका है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय पर अनुकूल प्रभाव रहेगा, व्यवसाय से संबंधित लाभ मिलता रहेगा। पारिवारिक उलझन में मन परेशान रह सकता है। आज काला तिल, काली उड़द, चावल और मूली का दान करें, अनुकूलता मिलेगी। आज मित्रों का सहयोग मिलेगा, प्रयास सार्थक होंगे, कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी हुई है। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे, आर्थिक सहयोग मिलेगा, पारिवारिक रूप से सुख और संतुष्टि महसूस करेंगे। पहले से चली आ रही मानसिक उलझन कुछ कम होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आपके स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी हुई है, लेकिन स्वभाव में अत्यधिक उत्तेजना बढ़ सकती है। इसका कारण आपकी राशि से मंगल का छठवें होना, मंगल पर राहु की दृष्टि का होना, साथ ही साथ आज चंद्रमा का आपकी राशि से आठवें होना और राहु की दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ना, यह आपकी मानसिक व्यग्रता को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। संयम से काम लें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, आपकी कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। कार्य व्यवसाय में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। गाय को हरा चारा खिलाएं या गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और आज अमावस्या होने के कारण चंद्रमा अस्त हैं, इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से आप अपने आप को संभाल कर रखें। कार्य व्यवसाय सामान्य चलेगा, धन लाभ की स्थिति भी सामान्य रहेगी। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है। नई कार्य योजना के लिए समय अनुकूल हो गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। आज पारिवारिक रूप से सुख और संतुष्टि महसूस करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। आज से किसी बड़े प्रोजेक्ट पर निर्णय लेने का योग बन गया है। मंगल आपके चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, व्यावसायिक उन्नति के योग बने हुए हैं। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी रहेगी। मित्रों से सहयोग बना हुआ है, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आज आपकी निजी सुख संतुष्टि बनी रहेगी, काम करने में मन लगेगा, मित्रों और सहयोगियों को भी सहयोग मिलेगा, नई कार्य योजनाओं को बल मिलेगा। कुछ नया करना चाहते हैं तो क्रियान्वित करें, सफल रहेंगे। संतान पक्ष अनुकूल है, कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। माँ दुर्गा की आराधना करें या गाय को रोटी खिलाएं, अनुकूलता मिलेगी। आज आप कोई भी काम सावधानी से करें, राहु की मंगल पर दृष्टि और राहु की चंद्रमा पर दृष्टि, यह किसी भी अचानक घटना को जन्म देने वाला
योग बनाता है। अचानक चोट लगना या बिजली का झटका लगना इत्यादि। व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है, निजी सुख संतुष्टि बनी रहेगी, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, वाद विवाद या न्यायालय से संबंधित कामों में अनुकूलता बनी हुई है, संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज ही आपकी राशि पर मंगल के आने से आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, हर तरफ से अनुकूलता महसूस होगी, काम करने में मन लगेगा, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे, मित्र सहयोगियों से सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष अनुकूल है, जो कार्य योजनाएं सोच रखे हैं उसको पूरा करने का समय अनुकूल हो गया है, प्रयास करें सफल रहेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम हं हनुमते नमः का मानसिक जप करें। आज वाणी में प्रखरता बनी रहेगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, कुछ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधान रहें, कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है, हनुमान जी की आराधना करें अच्छा रहेगा। आज आपकी राशि पर सूर्य चंद्र शुक्र और केतु चारों ग्रह मौजूद हैं। आज अमावस्या है इसलिए वाणी में प्रखरता रहेगी, बात बर्दाश्त करने की क्षमता कम होगी, व्यावसायिक उन्नति और भाग्योदय का समय आज बहुत अच्छा है, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, आय संबंधी संसाधनों में वृद्धि होगी। अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आज का पूर्वाभास आपके लिए लाभदायक होगा, कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है, पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा है, हर तरीके से अनुकूलता बनी हुई है, व्यावसायिक भाग्योदय का समय आज चल रहा है, धार्मिक कामों में भी मन लगता रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, अपनी निजी जिंदगी में सुख शांति महसूस करेंगे, विवाद और कोर्ट कचहरी के मामले में समय अनुकूल चल रहा है, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे, आज के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें। आज से रुके हुए काम के संपन्न होने का समय चालू हो गया है, मंगल आपके भाग्य भाव में पहुंच चुके हैं, कार्य व्यवसाय की अनुकूलता बनी हुई है, नई कार्य योजनाओं की रूपरेखा को क्रियान्वित करें, लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, पारिवारिक सुख से शांति महसूस करेंगे, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है, धार्मिक कार्यों में कुछ अंशदान निकाल दिया करें, अनुकूलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, ओम नमः शिवाय।